फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। सो सेल क्या है? हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। एंड सेल के अंदर, ये सेल है एंड सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिल्स। सो सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सो सेल के अंदर एक ऑर्गेनिल है माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का ग्रीक में क्या मतलब होता है? माइटो का मतलब होता है थ्रेड एंड कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल। सो ये कैसे है? जैसे थ्रेड लाइक ग्रेन्स होते हैं, उनकी तरह ये सेल में दिखते हैं। सो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया जब सेल में प्रेजेंट होते हैं तो उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एंड अगर एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। ओके, सो सिंगुलर मतलब माइटोकॉन्ड्रियन एंड अगर प्लूरल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ये सेल में क्यों जरूरी है? इसका सेल में क्या सिग्निफिकेंस है? सो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस 90% ऑफ, मतलब सेल की ऑलमोस्ट 90% ऑफ सेल एनर्जी। ये सेल में क्या प्रोड्यूस करता है? सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो सेल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि सेल की ग्रोथ, सेल का डिवीजन या फिर और भी फंक्शन, सेल के कॉन्ट्रेक्शन। सो डिफरेंट सेल डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। इन सेल की एक्टिविटीज के लिए जरूरी क्या है? एनर्जी। सो ये एनर्जी अगर सेल को नहीं मिलेगी तो सेल कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा। सो सेल क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा। सो माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? सेल को एनर्जी देना। सो सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करना, वो भी 90% अमाउंट में। सो सेल की ऑलमोस्ट एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। एटीपी क्या होता है? एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो एटीपी क्या है? एनर्जी है। एंड इस फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। सो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करता है। नाउ ये कैसे एटीपी प्रोड्यूस करता है? ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करता है एनर्जी में। सो न्यूट्रिएंट्स को माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूट्रिएंट्स कौन से हो गए? हम कुछ भी खाते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स हमने लिए, फैट्स लिए, प्रोटीन्स, लिपिड्स या कुछ भी। सो वो क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। सो जब हम फूड से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इन न्यूट्रिएंट्स को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। एंड ये कन्वर्जन कब होगी? जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को एटीपी यानी एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसको क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक का क्या मतलब होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? कि माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सो ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत जरूरी है माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के लिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये प्रोसेस नहीं होगा। नाउ नंबर, जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो किस पर डिपेंड करता है? किसी सेल की फिजियोलॉजिकल या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ऊपर। तो एक सेल कितनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल जो रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज, उनमें जीरो, कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। लेकिन जो मोस्ट एक्टिव सेल्स हैं, जैसे कि लीवर सेल्स या फिर मसल सेल्स, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। इतना कि 100 से लेके 1000 तक, इवन मोर देन 2000 माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हो सकता है, जो बहुत ज्यादा एक्टिव सेल्स हैं, जैसे कि लीवर सेल्स और मसल सेल्स। सो नंबर डिपेंड करेगा कि कितना एक्टिविटी एक सेल परफॉर्म कर रहा है। देन अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। सो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। सो जैसे न्यूक्लियस है, वैसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है? कि इसमें भी दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर और एक इनर। एंड इसकी जो शेप है वो कैसी होती है? रोड या फिर सोसेज शेप। सो ये रोड या फिर सोसेज शेप जैसी इसकी शेप है। एंड इसकी जो लेंथ है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर
होती है। अब ये डबल मेम्ब्रेन है, सो आउटर मेम्ब्रेन, सो ये जो है सबसे आउटर, ये क्या है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर वाली, एंड इनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर ये जो इनर में आपको दिख रही है मेम्ब्रेन जो कि ऐसे फोल्ड्स बना रही है, इसको क्या कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। सो ये है इनर मेम्ब्रेन। देन आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है, सो ये है आउटर मेम्ब्रेन एंड ये है इनर मेम्ब्रेन। सो इसके बीच में क्या है एक स्पेस है, इस स्पेस को क्या कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है जिसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। एंड ये दोनों मेम्ब्रेन, जैसे सेल मेम्ब्रेन हमारी किससे बनी है फॉस्फोलिपिड बायलेयर से, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के बीच जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है दोनों किससे बनी है फॉस्फोलिपिड बायलेयर से एंड प्रोटीन से। सिमिलरली ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। देन क्रिस्टे, व्हाट इज क्रिस्टे, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर वाली मेम्ब्रेन, ये अंदर क्या बना रही है फोल्ड्स। सो ये फोल्ड्स आपको दिख रहे होंगे अंदर, इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है एंड क्या बनाती है क्रिस्टे, इनको क्या कहते हैं क्रिस्टे। सो ये जो फोल्ड्स है ये क्रिस्टे कहलाते हैं। देन मैट्रिक्स क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो सब्सटेंस है फ्लूइड है इसको क्या बोलते हैं मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स क्या है, जो सब्सटेंस इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है जिसमें अदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इस सब्सटेंस में, उसको क्या बोलते हैं मैट्रिक्स। सो अब हम इन स्ट्रक्चर्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या है, किससे बने हैं, इनका फंक्शन क्या है। नाउ जो फर्स्ट मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की उसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। सो ये आउटर मेम्ब्रेन है जिसने पूरे जो ऑर्गेनेल है पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को एनक्लोज किया हुआ है। सो आउटर मेम्ब्रेन क्या है, एनक्लोजेस एंटायर ऑर्गेनेल। सो एंटायर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आउटर मेम्ब्रेन ने एनक्लोज किया हुआ है। एंड आउटर मेम्ब्रेन क्या है, फ्रीली परमिएबल होती है किसके लिए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। सो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए फ्रीली परमिएबल है, बट जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, चैनल्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में जिनको कहते हैं पोरिन्स। सो ये इनके आउटर मेम्ब्रेन है सपोज, सो इस आउटर मेम्ब्रेन में स्मॉल प्रोटीन्स के चैनल्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं पोरिन्स। सो इन पोरिन्स के थ्रू, इन चैनल्स के थ्रू क्या होता है जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बारे में। सो स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या है, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर टेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इसको कहते हैं। नाउ इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन क्या है, ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है जो अंदर की तरफ फोल्ड हुई हुई है इसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। सो इनर मेम्ब्रेन क्या बना रही है इन फोल्ड्स। सो ये इन फोल्ड यानी अंदर की तरफ फोल्ड हुई हुई है फॉर्मिंग कंपार्टमेंट्स, एंड ये क्या बना रही है कंपार्टमेंट। सो ये अंदर की तरफ जो फोल्ड होकर इनर मेम्ब्रेन ये क्या बना रही है कंपार्टमेंट्स, एंड इन कंपार्टमेंट्स को क्या कहते हैं क्रिस्टे। सो ये जो कंपार्टमेंट्स है ये क्रिस्टे कहलाते हैं। एंड ये फोल्ड्स यहाँ पर क्यों प्रेजेंट है, ये इनर मेम्ब्रेन फोल्ड क्यों हुई हुई है। हम एक सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी क्लोथ के पीस का। सो अगर क्लोथ का पीस ओपन पड़ा है तो एक तो क्लोथ ज्यादा नहीं है लेकिन वो ओपन पड़ा है तो सरफेस एरिया ज्यादा घेर रहा है। अगर क्लोथ बहुत बड़ा है, अगर हम उसको फोल्ड करके कहीं रख दे तो क्लोथ तो बड़ा है लेकिन सरफेस एरिया कम घेर रहा है। इसी तरह से इनर मेम्ब्रेन क्या है तो बड़ी, आउटर मेम्ब्रेन से बड़ी है लेकिन ये फोल्ड हुई हुई है जिसके कारण ये जगह कम घेर रही है, लेकिन इसका जो स्पेस है यानी इनर मेम्ब्रेन क्या है सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, लेकिन ये फोल्ड हुई हुई है इसलिए ये एक कम स्पेस में आ गई है। सो ये फोल्ड्स क्या कर रही हैं सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प कर रही हैं, यानी कि जो एटीपी इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है मैट्रिक्स के अंदर यानी इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है एटीपी प्रोड्यूस होती है। सो ये एटीपी प्रोड्यूस होने के लिए जगह ज्यादा मिल जाए, स्पेस ज्यादा मिल जाए उस एक्टिविटी के लिए, इसलिए ये इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हुई हुई है। नाउ सो इनर मेम्ब्रेन क्या कर रही है, इंक्रीज सरफेस एरिया। क्यों सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज हो रहा है, एनहांसिंग द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एटीपी। सो एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए उसको जगह स्पेस ज्यादा मिल रहा है इस फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन में। नाउ आउटर मेम्ब्रेन हमने क्या देखा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए फ्रीली परमिएबल है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन क्या है मोर सिलेक्टिवली परमिएबल, ये इजिली
चाहे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो, आयन्स हो, इजिली परमिट होने नहीं देते, इजिली अंदर मैट्रिक्स में जाने नहीं देते. सो इनर मेम्ब्रेन क्या है, ज्यादा सिलेक्टिवली परमिएबल है, ज्यादा स्ट्रिक्ट है एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन. सो आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली जाने दे रही है स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो फ्रीली नहीं जाने देती. उसके पास स्पेशल प्रोटीन्स है जो कि क्या करते हैं, गार्ड करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल अंदर जाएगा कौन सा नहीं जाएगा. सो जो एसेंशियल मॉलिक्यूल्स होंगे वही अंदर जाएंगे. नाउ जो आउटर मेम्ब्रेन थी वो फ्रीली जाने दे रही थी, इसलिए उसकी जो कंसंट्रेशन है आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट साइटोप्लाज्म से सिमिलर है, क्योंकि वो फ्रीली जाने दे रही है सब्सटेंसेस को. तो जो साइटोप्लाज्म में सब्सटेंसेस है वो ऑलमोस्ट आउटर मेम्ब्रेन में एंटर हो जाते हैं, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में वो ईजिली एंटर नहीं हो सकते क्योंकि इनर मेम्ब्रेन ज्यादा सिलेक्टिवली परमिएबल है. नाउ इनर मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है अंदर. सो इनर मेम्ब्रेन में सबसे अंदर प्रेजेंट है मैट्रिक्स. सो ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको ये जो स्पेस दिख रहा है इनर मेम्ब्रेन में, जितना भी स्पेस है इसको कहते हैं मैट्रिक्स. सो ये मैट्रिक्स क्या है, जेल लाइक सब्सटेंस है. सो इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, जेल लाइक होती है. एंड ये क्या है, स्पेस एनक्लोज बाय द इनर मेम्ब्रेन. अब इस मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इस मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है. सो सबसे फर्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट, डीएनए. सो आपने सुना होगा कि न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना खुद का इंडिपेंडेंट डीएनए प्रेजेंट होता है. डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं, दैट इज एमटी डीएनए. ये क्या है, इंडिपेंडेंट डीएनए है. एंड डीएनए में माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए जो प्रेजेंट होता है वो होता है सर्कुलर. सो ये सर्कुलर डीएनए ब्लू कलर का जो आपको मैट्रिक्स में दिख रहा है, ये है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. अब इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का क्या काम है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट डीएनए है, सो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए है, सो ये इंडिपेंडेंटली डिवाइड होता है. माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप से डिवाइड होता है, ये न्यूक्लियस पर डिपेंड नहीं है डिवाइड होने के लिए. सो जब सेल डिवीजन होती है उस पर डिपेंड नहीं है, ये खुद अपने आप माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है बिकॉज इट हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट डीएनए. नाउ इसके अंदर एक और चीज प्रेजेंट होती है मैट्रिक्स में, एंजाइम्स. सो ये ग्रीन कलर के जो मैंने दिखाए हुए हैं, ये क्या है, एंजाइम्स. एंड ये क्या है, एटीपी सिंथेज एंजाइम्स. सो एटीपी सिंथेज यानी एटीपी के सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स हेल्पफुल हैं उसको बोलते हैं एटीपी सिंथेज एंजाइम. सो ये क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. देन मैंने बताया था प्रोटीन्स इसके अंदर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर. सो ये प्रोटीन्स कौन से, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं. सो जो सब्सटेंसेस अंदर जाएंगे या फिर अंदर से बाहर जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के, उनको ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करते हैं ये प्रोटीन्स. देन है ग्रेन्यूल्स, इस मैट्रिक्स में बहुत सारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड राइबोसोम्स. सो ये जो रेड कलर के मैंने दिखाए हुए हैं ये क्या है, राइबोसोम्स. सो राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन्स की प्रोडक्शन करते हैं. सो माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, अपनी खुद की प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं प्लस खुद का डीएनए है. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर क्योंकि ये एटीपी को प्रोड्यूस करता है जो कि सेल की एनर्जी है. सो सेल की एनर्जी को कौन प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सो वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन तो हमको पता है, दैट इज प्रोड्यूसिंग एनर्जी. और एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी की फॉर्म में. एंड ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, जो भी हम खाते हैं जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनको माइटोकॉन्ड्रिया किस में कन्वर्ट कर देता है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसको क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन. सो एनर्जी प्रोड्यूस करने के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सेल डेथ. सो माइटोकॉन्ड्रिया सेल को डेथ करवाता है यानी सेल को खत्म करता है. कैसे, सेल की डेथ को क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस. सो एपोप्टोसिस या सेल डेथ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल का. ये कौन परफॉर्म करता है, माइटोकॉन्ड्रिया. सो सेल की डेथ करवाना, सेल को मारना क्यों जरूरी है, क्योंकि कोई भी सेल जो पुराना हो गया है, खराब हो गया है, या फिर कोई सेल जो बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है, बहुत ज्यादा रेप्लिकेट हो रहा है, सो उस सेल को डेथ करवाना, उस सेल को डाई करवाना किसका काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का. एंड ये कैसे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम सी. सो इस एंजाइम के थ्रू सेल की डेथ होती है. नाउ थर्ड फंक्शन इज स्टोरिंग कैल्शियम.
माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम को भी स्टोर करके रखता है, जो भी कैल्शियम आयंस है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है एंड कैल्शियम को स्टोर करके रखता है. सो कैल्शियम स्टोर करना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैल्शियम बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि सेल की कॉन्ट्रेक्शन, मसल कॉन्ट्रेक्शन, फर्टिलाइजेशन, ब्लड क्लॉटिंग. सो कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल्स. नेक्स्ट है हीट प्रोडक्शन. सो माइटोकॉन्ड्रिया हीट को भी प्रोड्यूस करता है. सो हीट प्रोडक्शन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. जब बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, जब हमारी बॉडी कोल्ड या फिर शिवर करने लग जाती है, उस टाइम पर हीट प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया. फॉर डिटेल वीडियोज ऑफ सेल यू कैन चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. ऑल्सो डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.